देखिए, मेरी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ बैठी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो कश्मीर की स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, जम्मू की मेरे दाएं साइड डॉक्टर अयूब साहब है, मेरे राइट साइड में मेरी पार्टी के सीनियर लीडर और जो एक बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, आर के ललोत्रा जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू से, रुबीना महमूद जी जम्मू से, और सरला कोतवाल वुमेन्स विंग जम्मू पार्टी प्रेसिडेंट, आप और आप लोगों का तहे दिल शुक्रिया। यहाँ आने का जो मकसद है और आज की जो बैठक है वो यही है कि आप देख रहे हैं कि ये वो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, जिनको एक जमाने में यहाँ की लोकल सरकारों ने पत्थरबाजों के ठप्पे लगाए थे और जिनके पीछे FIR लगाए हैं, और जिस पर हम लोगों की कोशिश है कि देश के गृह मंत्री से हमारी बात हुई है। हमने दिल्ली में रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी अपना प्रपोजल रखा है, और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारी दिल्ली में थी पीछे, वहां पर भी हमने ये बात रखी। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजों को इन्होंने एक डब्बा लगा दिया, जिनके पासपोर्ट बंद है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, हमारी कोशिश है कि सरकार इनके केसों को रिवोक करे और अदालतों के चक्कर इनको न लगाने पड़े। अदालतों के ऊपर भी बोझ बना दिया है पीछे वाली गवर्नमेंटों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो थी। आपको बता दूं कि जैसे उन दिनों ग्रेडिंग हुआ करती थी, खासकर शहरी खास के जो थाने थे, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज लोकल सरकार PDP एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ग्रेडिंग स्टार्ट किया था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी। ए मतलब लाख, दो लाख, बी का मतलब 50,000, सी का 20,000, डी का जोई वटिया सोई खटिया। दिस वाज ए प्योर बिजनेस, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये वही जवान है जो कोमी लोलंगर में आ जा रहे हैं, जो देश की शान आन बान को आगे लेने के लिए तैयार है। आप कैसे मान सकते हो कि ये नौजवान पत्थरबाज हो सकते थे, लेकिन आपने गलत गाइड किया बच्चों को, उसके बाद आपने इनके ऊपर FIR लगवा दिए, आपने उनसे पैसे कलेक्ट करवाए, आपने घर बनाए, मिनिस्टर पुराने मिनिस्टरों ने बंगले बनाए, पुलिस अफसरों ने जो यहां पर उन दिनों के SHOs DSPs थे उनके बंगले अगर आप देखोगे, और हम चाहेंगे कि ये सरकार जो IT डिपार्टमेंट है, जो ED है, CBI है, जो हमारे पास जो यहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस तो खैर स्टेट का अंडर रहता है इस वक्त तो नहीं है, और क्राइम ब्रांच जितनी भी एजेंसियां है वो सब इंक्वायरी करे और ये पता करे कि उनके पास जो दौलत आई है वो कहां से आई है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी दायरे में लाके उनके ऊपर FIR लॉन्च हो। जिस तरह इन मासूम बच्चों को इन्होंने परेशान किया उसी तरह उनके ऊपर FIR लगे और कानून उनको सजा दे कि ये जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है, हमने देखे हैं कि रात को एक मिनिस्टर जो है, MLA जो है, कमीज पैजामे में ओथ उठाता है और नेक्स्ट डे इंदिरानगर और शिवपुरा जैसे इलाके में या हुमामा एयरपोर्ट जैसे इलाके में करोड़ों की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं अपनी सरकार से, NDA गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इंक्वायरी बिठाया जाए और ये पता किया जाए कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी जो है, और जब तक हमारा एक एक खून का कतरा जिस्म में है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो नाइंसाफी यहां के यूथ के साथ की गई है। मेरी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ऑलरेडी हम लोग मीटिंग्स में बोल चुके हैं और एक मेमोरेंडम भी देने वाले हैं आने वाले दिनों में कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कानून बिल्कुल एक चीज से सही है। देखिए, मैंने क्या किया, ये कानून आपका आज लागू हुआ, मैं आज से 4 साल से पहले क्या यहां पर हुआ, मैं तब की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा कोई कानून है कि ये सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के बगैर के खिलाफ हम लोग ऐसा कोई इल्जाम लगाए
और जो बेबुनियाद हो तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं लगाना चाहिए ऐसे इल्जाम जहां पर अगर सही बात है तो उसमें कानून ने कहीं पर कोई रोकथाम नहीं रखी है। आप बोलिए उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब एनडीए सरकार बनी और सरमनी से एक दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा मंशूर क्या रहेगा, जिसमें हमने बिहार में स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर में एफआईआर को वापस करना, बाहर के जेलों में जो लोग हैं उनको वापस लाना, ये मैंने मंशूर रखा था सरकार के सामने दिल्ली में बिफोर ओथ सरमनी। मैंने एक दिन पहले यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ओथ सरमनी हुई, 9 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। अगर आपको रिकॉर्डिंग मेरी मिलती है कहीं से उसमें चेक कर लीजिए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने कौन से पॉइंट्स और मेरे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर अयूब जो मेरे साथ थे इनसे आप पूछ सकते हो कि मेरे कौन से पॉइंट्स जम्मू कश्मीर को लेकर, और यहां तक कि मैंने नीतीश जी को जुलाई में कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इन्वाइट किया है और अगस्त फर्स्ट वीक अगस्त तक ऑलमोस्ट, और अभी जो मैं पटना जा रहा हूं वापस और उसके बाद जो मेरा 10 या 11 को होम मिनिस्टर से मीटिंग मैं चाहता हूं दिल्ली के अंदर, और मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, टूटा सा घर है, गाड़ी किराए पे है और ये कमीज पैजामा कुछ है ही नहीं, तो मेरा पर्सनल क्या है जो है वो है आप लोगों को।